बड़ी अपडेट इस समय की आपको जम्मू के भगवती नगर से बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दे चले कि पैंथर्स पार्टी के लोग जो आवाज पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, और जिसमें इनके द्वारा यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैंथर्स पार्टी में कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कि बीजेपी के कहने पर चल रहे हैं और उनके द्वारा ही जो है वो भीम सिंह जी की हत्या यहाँ पर की गई है। ऐसा आरोप जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तादाद में तमाम पैंथर्स पार्टी के लोग इस समय यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रोफेसर भीम सिंह जी को लेकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि उनकी जो है वो हत्या यहाँ पर की गई है। भीम सिंह जी के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भीम सिंह जी के कातिलों को गिरफ्तार करो, इस तरह के स्लोगन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पैंथर्स के लोग इस समय यहाँ पर हैं और प्रोटेस्ट जो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ। वही पुलिस आप देख सकते हैं मौके पर है। गगन जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, देखिए, हम आपको पहले बोला करते थे कि कुछ लोग मिलकर भाजपा से पैंथर्स पार्टी में सेंध लगा रहे थे। आपको याद होगा जब प्रोफेसर साहब की मृत्यु नहीं हुई थी, और कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एक व्यक्ति जो पीके गंजू है, बलवान सिंह है, और साथ में एक महिला बैठी अनिता ठाकुर, पीके गंजू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वो पार्टी का प्रेसिडेंट है। एक जाली प्रेसिडेंट सामने आ गया है, एक बरसाती मेंढक जिस तरह बाहर आते हैं उसके समझे ये लोग बाहर आ गए। और मृत्यु के पहले प्रोफेसर साहब ने कहा था परिजनों से कि कुछ लोग भाजपा के अंदर कुछ पार्टी के लोग भाजपा से मिलकर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, पैंथर्स पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आज ये बात उनकी सच हो रही है, वो लोग बेनकाब हो गए हैं। हमारी मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये समाज के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसी के साथ आपने देखा प्रोफेसर भीम सिंह जी की, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी की पत्नी जयमाला जी और उनके जो परिवारजन है, उनका कहना है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो मृत्यु है बड़ी एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, एक रहस्यमय हालातों में हुई है, एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और साजिश करने वाले जो है गिरफ्तार होने चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर साहब को आर्थिक रूप से निचोड़ा, उनकी गाड़ियां बेची, उनका भीमरथ बेच दिया। ये वही भीमरथ है जिसमें पार्टी के नेता और वो खुद स्वयं प्रोफेसर भीम सिंह जी भाषण किया करते थे। उनका मोटरसाइकिल बेच दिया जो हमने, जो हमारी धरोहर थी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की धरोहर थी, उसे बेच दिया। उस मोटरसाइकिल में उन्होंने विश्व का दौरा किया था, पूरी दुनिया घूमी थी, और प्रोफेसर साहब की जितने भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी इन सब ने उन पे कब्जा किया हुआ, सब कुछ ले लिया है उनका। और उनके मृत्यु के बाद एटीएम द्वारा पैसे भी निकाले गए हैं उसी दिन। कितने पैसे निकालेंगे इसकी जानकारी बैंक से लीजिए, चाहे पैसा एक रुपया हो, एक लाख रुपया हो, चोरी तो चोरी है ना। बात नहीं है कितने निकाले, बात यह है कि क्यों निकाले और किस हक से निकाले। हमारी मांग ये है कि ये जो जितने भी परपेट्रेटर्स हैं, जितने भी ये लोग साजिश, जिन्होंने भाजपा से मिलकर साजिश रची है पैंथर्स पार्टी को खत्म करने की, और जिन हालातों में प्रोफेसर साहब की मृत्यु हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, लोग गिरफ्तार होने चाहिए। आज भगवती नगर क्यों चुना आपने? क्योंकि पीके गंजू का निवास स्थान यहाँ है, उसके कान भी खुलने चाहिए। खुद को प्रेसिडेंट बताते हैं, वो प्रेसिडेंट बनने का दावा। साथी मेंढक कभी कभी प्रेसिडेंट नहीं होते। कौन सा प्रेसिडेंट है? ये देखिए इलेक्टेड मेंबर आए हैं, डीडीसी बीडीसी के चेयरमैन आए हैं, इलेक्टेड डीडीसी प्रेसिडेंट मेंबर्स हैं। ये को लेकर भीम सिंह जी को लेकर सियासत नहीं की जानी चाहिए। ऐसे पीके गंजू पार्टी के सरपंच कार्यकर्ता सब लोग हैं। ये पूछना चाहते हैं भैया तू कैसे बन गया प्रेसिडेंट? अभी पैंथर्स पार्टी में है या नहीं है अनिता ठाकुर और पीके गंजू? देखिए ये लोग फेक है, भाजपा के दलाल है, भाजपा से मिलकर पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई।
कार्रवाई होनी चाहिए, लिखित में रिपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज उन प्रोफेसर साहब के धर्मपत्नी को घर से बेघर किया गया, इन्हीं के लोगों की वजह से। प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी जयमाला जी को घर से बेघर किया है, आज प्रोफेसर साहब के घर में ताला लगा है, बेघर किसने किया? इन्हीं लोगों ने। ये साजिश है, ये भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने साजिश रची है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है पैंथर्स पार्टी खत्म करने का। आज पार्टी का कत्ल किया है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लोगों के जज्बातों का कत्ल किया है, प्रोफेसर भीम सिंह जी सरकारों का कत्ल किया है, प्रोफेसर भीम सिंह जी प्रोफेसर भीम सिंह जी। और पूछो पीके गंजू को पूछो कि कितने आदमी है उसके साथ, हमारे डीडीसी कितने, बीडीसी उसको यह पूछो कि हमारे बीडीसी और डीडीसी मेंबर कितने, बीडीसी चेयरमैन कितने, पंच सरपंच कितने हैं, जरा पूछो तो सही यार। प्रेसिडेंट बन गए आप, भाजपा ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है प्रेसिडेंट बनाने का। भाजपा की साजिश को नाकाम करेंगे, विफल करेंगे। और ये जो है ना जितने भी तत्व ये गंजू शंजू ये बात आएंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, पार्टी के साथ भीम सिंह जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, भीम सिंह जी का कत्ल हुआ है, एक साजिश के सोची समझी साजिश के थ्रू जो है वो किया गया है, इसमें बीजेपी की पूरी चाल है। मैं समझता हूँ कि जो बैंक वाले हैं जिन्होंने भीम सिंह की मृत्यु के बाद उनको पैसे रिलीज किए हैं, वो कैसे उनकी जो पेमेंट है कैसे कर दी है उनको, कुछ सरकारी लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और पार्टी को तबाह करने के कगार के ऊपर खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चाल जो है जो हम अपने जीता जी कभी पूरे नहीं होने देंगे, हमारे साथ सभी लोग जो है, जो बीडीसी जो हमारी जांच की है डीडीसी श्री जो है, अब मुझे बताएं कि क्या ये वो लोग इन्हें काटते हैं दोबारा जो इस समय जम्मू के भगवती नगर इलाके में यहाँ पर इस समय जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और ये आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि भीम सिंह जी की जो है वो उनकी किसी बीमारी से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी जो है वो कुछ पैंथर्स पार्टी में बैठे ही जो कि बीजेपी के एजेंट हैं ऐसा इनका आरोप है, उनके द्वारा जो है भीम सिंह जी की हत्या करके उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने का आरोप यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा लगाया जा रहा है। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है, आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन पैंथर्स पार्टी द्वारा गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीके गंजू जी द्वारा और नीता ठाकुर जी द्वारा की गई उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जो है बीजेपी के एजेंट हैं और ये कहें कि कुछ लोगों द्वारा जो है वो एक साजिश रचकर जो है भीम सिंह जी की हत्या जो है वो की गई है। अब आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।